हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। मेरे बच्चे के लिए मैं कौन से साइज का डायपर लूँ, ये क्वेश्चन में से बहुत पूछा जाता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसके बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चे के लिए डायपर साइज डिसाइड करते हुए आपको इन कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला और सबसे इजी पैरामीटर होता है बच्चे का वेट। आप किसी भी ब्रांड का डायपर उठा लीजिए, जब आप साइज देखेंगे तो ब्रांड के डायपर साइज के साथ एक वेट रेंज दी होती है। मान लीजिए साइज दिया हुआ है स्मॉल, तो उसमें लिखा होगा 4 to 7 केजीज, मीडियम में लिखा होगा 7 to 10 या 7 to 11 केजीज, इस तरीके से एक रेंज दी जाती है। तो मैं क्या करती थी, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि आपको हमेशा वो डायपर साइज लेना चाहिए जिसमें आपके बच्चे का वेट जो भी रेंज दी हुई है उसका हाफ कर लीजिए, फर्स्ट हाफ में फॉल करता है। और मेजरली मेरे लिए ये काम करता था। आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक ब्रांड है, इसके दो डायपर साइजेस मैंने देखे, एक साइज है स्मॉल, एक साइज है मीडियम। स्मॉल पे साइज लिखा है 3 से 8 किलो, मीडियम पे साइज लिखा है 7 से 11 किलो। अब मेरे बच्चे का वेट मान लेते हैं 7 किलो है, तो क्या मुझे स्मॉल साइज लेना चाहिए क्योंकि 7 किलो उसमें भी फॉल कर रहा है, या मुझे मीडियम साइज लेना चाहिए क्योंकि 7 किलो वहां पे भी दिखाई दे रहा है? तो मैं क्या करूंगी, मैं रेंज का हाफ करूंगी। जैसे 3 से 8 किलो की जो रेंज है उसका मिड पॉइंट पड़ता है करीबन 5.5 किलो, और मैं देखूंगी कि क्या मेरे बच्चे का वेट फर्स्ट हाफ में फॉल कर रहा है, नहीं। तो अब मैं अगले साइज पे जाऊंगी। अगले साइज में वेट रेंज दी हुई है 7 से 11 किलो, और मेरे बच्चे का जो 7 किलो वेट है वो फर्स्ट हाफ में ही फॉल कर रहा है, तो मैं मीडियम साइज लूंगी। ये सबसे आसान तरीका है डिसाइड करने का, बट इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपके डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है डायपर की फिटिंग। अब आपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली जो भी डायपर साइज पिक किया, क्या ये मेरे बच्चे को ठीक से फिट हो रहा है? सबसे पहला इसमें आपको देखना है कि जो डायपर की टेप है वो बच्चे की जो नाभि है या बेली है उससे नीचे बंद होनी चाहिए। आपको उस टेप को बच्चे की नाभि के ऊपर बंद नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देता है। और शुरू के दिनों में क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगी होती है तो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, तो जो टेप है वो नीचे आनी चाहिए बेली के। दूसरी फिटिंग हम चेक करेंगे लेग के कफ्स में, यानी जो थाई एरिया होता है वहाँ पे जो फिटिंग है डायपर की वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। आपको इजीली पता चल जाएगा गैप देख के, नहीं तो जब बच्चा यूरिन करेगा तो आपको दिख जाएगा कि उसमें लीकेजेस हो रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डायपर काफ़ी लूज है। और नेक्स्ट तरीका है चेक करने का टू फिंगर टेस्ट। सो टू फिंगर टेस्ट हम टेप के एरिया में भी करेंगे और हम लेग कफ में भी करेंगे। जब हमने बच्चे को टेप लगा दिया तो हम अपनी दो फिंगर्स स्लाइड करके देखेंगे कि क्या मेरी दो फिंगर्स इजीली टेप के अंदर जा रही हैं या नहीं। इसका मतलब डायपर की फिटिंग ठीक है, ना वो लूज है ना वो टाइट है, परफेक्ट फिट है। सिमिलरली जो लेग कफ का एरिया है, जब आप बच्चे को डायपर पहना देते हैं तो वहां पे भी आप टू फिंगर्स डाल के देख लीजिए कि इजीली आपकी टू फिंगर्स जा रही हैं, और उसकी फिटिंग को भी ठीक कर दीजिए। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि फिटिंग ठीक है या नहीं। तीसरा पैरामीटर होता है रेड मार्क्स या रैशेस। अगर डायपर बहुत टाइट है तो उससे बच्चे को जो उसका लेग कफ वाला एरिया है और जो उसका बेली का एरिया है वहाँ पे आपको रैशेस दिखने लग जाएंगे, रेड रेड लाइंस दिखने लग जाएंगी, जैसे हमारे साथ होता है जब हम कुछ बहुत टाइट पहन लेते हैं तो हमें भी ऐसे दिखने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि डायपर बच्चे के लिए बहुत टाइट है। सो दैट्स इट गाइस, इन 3 सिंपल पैरामीटर्स को देख के आप ये जज कर सकते हो कि कौन से साइज का डायपर मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। ये तीनों पैरामीटर्स हर तरीके के डायपर पे अप्लाई होते हैं, चाहे आप वो टेप वाला डायपर लो, चाहे आप पैंट स्टाइल डायपर लो, आपको 3 पैरामीटर्स के बेस पे उसे जज करना है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको ये बात बताऊंगी कि कौन सा डायपर लेना है, कौन से साइज का डायपर लेना है, ये चीज़ पेरेंट्स को विद एक्सपीरियंस ही आती है। हर बच्चे के साथ आपको एक हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ब्रांड का डायपर ले रहे हो, किस तरीके का डायपर ले रहे हो, थोड़ा सा साइज के साथ हिट एंड ट्रायल करके ही आप ये डिसाइड कर पाते हो कि बच्चे को कौन सा साइज ठीक आ रहा है। डायपर साइज ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज कम्फर्टेबल, अदरवाइज बच्चे को डायपर रैशेज होने के चांसेस होते हैं, बच्चे आराम से सो नहीं पाते, रोते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उनको डायपर साइज से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड का डायपर ही लें
और साइज बिल्कुल परफेक्ट लें। एंड आई नो आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा हुआ है कि मैं क्लॉथ डायपर्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं जल्दी बनाऊंगी। अगर डायपर्स से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या कोई और टॉपिक आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ येस, प्लीज शेयर इट विद एज मेनी न्यू पेरेंट्स एज पॉसिबल एंड ऑल्सो हिट ऑन द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया। कबीर के लिए हम कौन से डायपर्स यूज करते थे, डायपर क्रीम्स यूज करते थे या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते थे, उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने मॉमकॉम इंडिया स्टोर फ्रंट पे कबीर के सारे प्रोडक्ट्स अपलोड किए हुए हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।